वॉर जोन में याया सेनवार, इसराइल में मचेगा हाहाकार। इसराइल का मोस्ट वांटेड फिर मौत बांटने आया। इसराइल में फैला 7 अक्टूबर वाला टेरर। नेतन्याहू के पास सिर्फ 24 घंटे। चेहरा देखिए, चाल देखिए, इनके पूरे चरित्र को बस इस एक बात से जानिए कि इसराइल जैसा देश इन्हें खान यूनुस का कसाई कहता है और गाजा का लादेन भी इन्हें बताया जाता है। जिस नाम से ये दुनिया भर में कुख्यात हैं वो है याया सेनवार। हमास के सुप्रीम कमांडर याया सेनवार की वॉर जोन में धमाकेदार एंट्री हुई है, जिसके बाद से खून खराबे की लिमिट क्रॉस हो गई है। इसराइल ने भी पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे गाजा युद्ध क्लाइमेक्स के मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। गाजा में बेहिसाब बारूद बरस रहा है, आसमान से जंगी जेट मौत बरसा रहे हैं, जमीन पर तोप से, रॉकेट लॉन्चर से, मशीन गनों से चुन चुन कर हमास के अड्डे बर्बाद किए जा रहे हैं। इसराइल का ऑपरेशन रफा फुल फोर्स में एक्टिव है। राफा के पूर्व हिस्से को इसराइल ने तोपखाने से धुआं धुआं कर डाला है। इसराइली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि जमीनी हमले में कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, किसी की भी अब नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि जिस दुश्मन की तलाश नेतन्याहू को है वो अब खुलकर जंग में सामने आ चुका है। याया सेनवार के युद्ध के मैदान में आने का मतलब क्या है? क्यों हमास चीफ ने नेतन्याहू को चुनौती देते हुए वॉर फ्रंट पर हमास लड़ाकों से वॉर मीटिंग की? इसे जानना जरूरी है, लेकिन पहले देखिए रफा फ्रंट पर बारूदी तांडव का लेवल कहां तक पहुंच चुका है। वफा समाचार एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइल ने हवाई हमले में गाजा सिटी के पश्चिमी इलाके को दहला रखा है। गाजा सिटी की अल वेहदा सड़क पर एक घर पर एयर स्ट्राइक कर इसराइल ने उसे कब्रगाह बना दिया। इसराइल की स्ट्राइक का टारगेट अब सिर्फ रफा क्रॉसिंग है, जिसे नेतन्याहू ने जीतने तक जंग जारी रखने का ऐलान मार्च महीने में ही कर दिया था। प्रेसिडेंट जो बाइडेन को इसराइल ने साफ मैसेज दिया था कि इसराइल रफा से हमास के सफाए तक युद्ध खत्म नहीं करने वाला। रफा की अहमियत इस जंग में क्यों इतनी अहम है, इसे भी जान लीजिए। नक्शे पर देख रही 41 किलोमीटर लंबी यह गाजा पट्टी है। भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर गाजा पट्टी उत्तर और पूर्व में इसराइल से घिरी है। गाजा पट्टी का दक्षिणी बॉर्डर मिस्र से लगता है। इसी बॉर्डर पर 12 किलोमीटर के इलाके को रफा क्रॉसिंग कहते हैं। गाजा की 20 लाख की आबादी 3 रास्तों का इस्तेमाल करती है, उत्तर में इरेज क्रॉसिंग और दक्षिण में रफा क्रॉसिंग। गाजा के दक्षिण में ही करीम अबू सलेम मॉल क्रॉसिंग भी है। रफा क्रॉसिंग हमास के लिए लाइफलाइन है, क्योंकि 2007 में इसराइल ने गाजा पट्टी की पूरी नाकाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद रफा क्रॉसिंग के जरिए ही हमास की सप्लाई चेन चलती है। हमास की बारूदी सुरंगों का जाल यही है, जहां से बैठकर इसराइल पर खौफनाक हमले अंजाम दिए जाते हैं। इसराइल को शक है कि हमास लड़ाकों ने यहीं उसके नागरिकों को बंधक बना रखा है। 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए लोगों में से एक का वीडियो रिलीज कर हमास ने प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश भी की है। हमास की तरफ से इजरायली अमेरिकी बंधक हर्ष गोल्डबर्ग पोलिन का वीडियो जारी किया गया है। हालांकि ये वीडियो कब शूट किया गया है इसकी कोई जानकारी नहीं साझा की गई। हमास के बंधक वीडियो के जारी होने के बाद गोल्डबर्ग के परिवार ने उसे हौसला बनाए रखने की अपील की है। 23 साल के हर्ष गोल्डबर्ग 7 अक्टूबर से हमास के नरकलोक में बंधक है। वहीं इसराइल का अनुमान है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान बंधक बनाए गए लगभग 250 लोगों में से 129 लोग गाजा में अब भी बचे हैं। इजरायली फोर्स ने आशंका जताई है कि बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों में 34 की मौत हो चुकी है। वहीं हमास इसराइल जंग में गाजा पट्टी में अब तक 34,305 मौत का आंकड़ा भी सामने आया है। इसराइल अपने एक नागरिक की जान के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए कुख्यात है, यानी जंग का अंत इसराइली बंधकों की रिहाई के साथ हमास के संपूर्ण सफाए पर होगा।
हालांकि हमास भी पीछे हटने को तैयार नहीं। हमास के सुप्रीम कमांडर याया सिनवार ने वॉर फ्रंट पर हमास लड़ाकों से मीटिंग कर इसराइल को क्लियर मैसेज दिया है कि युद्ध में हमास सरेंडर नहीं करने जा रहा। इकसठ साल के याया सिनवार अबू इब्राहिम के नाम से जाने जाते हैं। याया सिनवार को पहली बार इसराइल ने 1982 में गिरफ्तार किया था। 1985 में याया इसराइल के शिकंजे में दोबारा आए थे। उन्हीं दिनों याया ने हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन का भरोसा जीत लिया। 1987 में हमास की स्थापना के दो साल बाद याया ने इसके बेहद खतरनाक कहे जाने वाले अंदरूनी सुरक्षा संगठन अल मज की स्थापना की। उस वक्त याया की उम्र केवल 25 बरस थी। 2011 में कैदियों के अदला बदली के समझौते के तहत इजरायली सैनिक गिलाड शलिट के बदले याया सिनवार जेल से आजाद हुए। तब से आज तक याया सिनवार इसराइल के सबसे बड़े खलनायक बने हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल में जो खूनी कोहराम मचा उसकी कमांड भी याया के हाथों में थी। एक बार फिर जंग के मैदान में बेखौफ होकर याया सिनवार के आने का मतलब है कि हमास जल्द बड़े पलटवार की तैयारी में है। हमास का अगला हमला इस युद्ध को सबसे खौफनाक दौर में ले जाएगा। और अब इसराइल अगले 48 घंटे में कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके होते ही लेबनान से लेकर ईरान तक खून की नदियां बह जाएंगे। एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि इसराइल की आईडीएफ हिजबुल्लाह के चीफ को जान से मारने के लिए ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। हिजबुल्लाह का बदला जिस वक्त इजरायली सेना गाजा और रफा में चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मार रही थी, उस वक्त हिजबुल्लाह उत्तरी इजरायल पर लेबनान की तरफ से भीषण हमले कर रहा था। जिस वक्त इजरायल हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों पर हमला करके उसके आधे से ज्यादा टॉप कमांडर को मार रहा था, ठीक उसी वक्त लाल सागर में यमन के हूथी विद्रोही नौसेना मिसाइलों से अमेरिका और इजरायल के लड़ाकू युद्धपोत पर भीषण हमला कर रहे थे। मिडल ईस्ट और पश्चिम एशिया में इस वक्त इसराइल अमेरिका की शह पर कोहराम मचाए हुए है। लेकिन ये भी सच है कि ना तो हमास, ना हिजबुल्लाह और ना ही हूथी के लड़ाके हमला करने से चूक रहे हैं, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान, जो इसराइल के वजूद को खत्म करने पर आमादा है। अब आप ये देखिए भारी हथियारों से लैस अमेरिका और इसराइल के जंगी जहाजों पर हूथी ने कैसे हमला किया है। अमेरिका इसराइल पर हूथी का हमला, ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह पर हुए हमलों का बदला लाल सागर में लिया है। हूथी के दावे के मुताबिक हूथी ने मिसाइलों से अमेरिका और इसराइल के जंगी जहाजों पर हमला किया है। जानकारों के मुताबिक दो हफ्ते बाद हूथी का ये पहला बड़ा हमला अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बताया जा रहा है। हूथी के मिसाइल हमले में अमेरिका और इसराइल के जंगी जहाजों को नुकसान की खबर है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि हूथी के मिसाइल हमलों को रोकने में अमेरिका और इसराइल की नौसेना नाकाम साबित हुई है। हूथी के इस हमले ने साबित कर दिया है कि ईरान समर्थित हूथी मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में इसराइल और पश्चिमी देशों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके जहां जमीन के जरिए ज्यादा हमले कर रहे हैं, तो वहीं हूथी विद्रोही समंदर के रास्ते हमले कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन में हूथी ठिकानों पर पिछले 3 से 4 महीने में कई दर्जन भयानक हवाई हमले किए हैं। हूथी विद्रोहियों का आरोप है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन के करीब 424 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें कई दर्जन लोग मारे गए हैं। यही वजह है कि अब हूथी विद्रोहियों ने हमले तेज कर दिए हैं। ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों के प्रवक्ता याया सारेया ने दावा करते हुए कहा कि लाल सागर में अमेरिका के 2 जहाजों पर हमला किया गया है, जिसमें से 1 जहाज अमेरिकी विध्वंसक है, जबकि इसराइल का एक क्रूज जहाज हूथी हमले का शिकार हुआ है। हूथी के दावे के मुताबिक उसके हमले में अमेरिकी जहाज मेस्क यॉर्कटाउन, आदन की खाड़ी में एक अमेरिकी विध्वंसक और हिंद महासागर में इसराइली जहाज MSC वेराक्रूज को निशाना बनाया गया है। نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة ميرسك يورك تاون
الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. बेशक हुथी बड़े हमले कर रहा हो, लेकिन ये भी सच है कि गाजा रफा में इजरायली सेना के भीषण ऑपरेशन में अब तक 34,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला चीफ जरूर इजरायल को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजरायल की बेहतरीन हवाई क्षमता के सामने हिजबुल्ला के पैर उखड़ने लगे हैं। इजरायल के एक मीडिया चैनल ने हिजबुल्ला चीफ पर ब्रेकिंग न्यूज दी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायल की आईडीएफ बहुत तेजी से हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की तलाश कर रही है। खबर में दावा किया गया है कि 48 घंटे के अंदर या तो इजरायली सेना हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को मार देगी या फिर उसे लेबनान छोड़कर भागने को मजबूर कर देगी। आईडीएफ हिजबुल्ला चीफ को इसलिए भी तुरंत मार देना चाहती है क्योंकि हिजबुल्ला चीफ ईरान के इशारे पर उत्तरी इजरायल पर भीषण हमले करवा रहे हैं। दावा किया गया है कि हिजबुल्ला ने उत्तरी इजरायल के 13 गांवों पर दर्जनों कत्यूशा रॉकेट से हमला किया है। इसी का बदला लेने के लिए इसराइल ने हिजबुल्ला के 40 ठिकानों पर फाइटर जेट और मिसाइलों से हमले किए हैं। दावा किया गया है कि इसराइल के 40 हमलों ने हिजबुल्ला के आधे से ज्यादा कमांडर्स को मार डाला है। इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्ला के कंट्रोल वाले एता अल शाब और आस पास के गाँवों पर 13 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। इसीलिए अब ये दावे किए जा रहे हैं हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को आईडीएफ हवाई हमलों के जरिए मारने की कोशिश में है। الاساسي بعد ما طلعنا القوات الاساسيه بعد ما استخدمناها لمعلوماتكم نحن بعدنا حجز قوات مش عاملين نحن الشباب بيشتغلوا بالجبهه خدمه اجازه يعني بيروح بيخدم وقته بيوجع على بيته بيطلع بديله بيخدم وقته بيوجع على بيته وهكذا ومع ذلك عاملين الانجازات المعموله بالشمال اللي سالوا الاسرائيليين عنها. इधर ईरान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। रूस और चीन से साथ मिलने के बावजूद वो हमास हूथी और हिजबुल्ला के ऊपर हो रहे बेहद खूनी हमलों को रोक नहीं पाया है। इधर इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि रफा में इजरायली सेना बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। मिस्र की सीमा से सटे रफा में 23 लाख फिलिस्तीनी इजरायल के बेहद खूनी हमलों के बीच फंस चुके हैं। इस बीच ईरान ने खुली धमकी दी है। ईरान की वायुसेना के कमांडर हामिद वहीदी का कहना है कि ईरानी वायुसेना सोवियत काल के सुखोई Su-24 बम वर्षकों के जरिए इजरायल पर हमले को तैयार है। ईरान की एयरफोर्स की ताकत की बात करें तो फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ईरान के पास कुल 551 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 358 फाइटर जेट हमेशा जंग के लिए तैयार रहते हैं। अब देखना होगा कि क्या हूथी हमास और हिजबुल्ला ईरान के दम पर इजरायल और अमेरिका को टक्कर दे पाएंगे या नहीं।